आज हम आपके लिए एक ज़्यादा बड़ा छोटा सा टॉपिक है कि मोटर जलती क्यों है, जिसकी वेंडिंग होती है ये चीज़, ये जलती क्यों है। जैसे इसमें देख सकते हैं ये जल रही है, यहाँ पे सही है, ये जल रही है, ये जल रही है, और इसका जो मैग्नेट है वो भी बिल्कुल बीप होने लगी, बिल्कुल नॉर्मली एकदम चमक रहा और छोड़ दे रहा है। और जो सही मैग्नेट होता है, जैसे आपको दिखाएं, ये हमारे पास मैग्नेट पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, ये देखिए, इसको देखिए, ये देखिए एकदम बिल्कुल हार्ड तरीके से पकड़ रहा है, इसको देखो ये फ्री होगा, ठीक है। तो मैग्नेट फेल हो जाना और ये जल जाना, इसके आपको हम कारण बताते हैं। पहला नंबर, गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा के चलाना, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा नंबर, एक्सल बैरिंग टूट जाती है, आवाज़ नहीं करती, पता नहीं चलती, इससे पहिया जाम चलता है और मोटर हीट थोड़ी धीरे धीरे जलती रहती है, जलती रहती हीट कॉइल। तीसरा नंबर ये होता है कि आप लोडिंग लाते हैं और पहिया भी जाम है, ब्रेक चपक रही है, पहिया भी जाम है, उसके बाद में गाड़ी चलती चली जाती है और इससे मोटर के वायर जो होते हैं हीट, ये वाले हीट होते 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 धीरे धीरे राउंडिंग में हीट, और वो बिल्कुल हीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मोटर बचाना है, तो मोटर जलने से बचाना है तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी टाइम टाइम पे, अगर नई गाड़ी है तो सर्विस कराते रहिए, अगर पुरानी है तो उसमें आप एक बार मतलब अपने तरीके से चेक कराते रहिए ताकि गाड़ी बढ़िया चले, स्मूथली चले। और दूसरी बात, लोग वेंडिंग कराने के बाद बोलते हैं, बहुत से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मुझे ये बताइए कि जो हीट क्यों करती है वेंडिंग के बाद, तो कारण ये है कि आपकी मोटर जल जाती है, आपने खाली मिस्त्री से मोटर निकलवाई और भरवा ली और बांध दी, लेकिन जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से जली है वो तो हो ही रही है। अब क्या ये कंपनी की वेंडिंग है, जो हम लोग करते हैं वो अलग से वेंडिंग होती है। आप कितना भी मतलब मोटर भरवा के बांध भी देंगे, लेकिन मोटर हीट होगी क्योंकि वो अभी बैरिंग और मोटर की, जैसे ये वायरिंग हो जाती है, ये वायरिंग हो जाती है जो उसमें लगी हुई, देखिए, तो ये सब अगर ख़राब होती है, चेंज नहीं कराई जाती है, तो दिक्कत तो करेगी करेगी, उसको आप सबसे पहले चेंज कराइए। उसके बाद आप ये देखिए, मोटर हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। अगर फिर भी आती है तो अगर आपने वेंडिंग कराई तो वेंडिंग गलत है, लेकिन वेंडिंग कराने का सही तरीका, ज़्यादा तार भरवाइए और ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से करवाइए, पैसे ज़्यादा लगें एक बार लगाइए, बार बार नहीं। अगर आप बार बार लगाएंगे तो कभी गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मतलब आपको देखा होगा आपने कहा मेरा जैसे मैग्नेट फेल होने का, मैंने बता रहा हूँ, तो लोडिंग कम ला दिए मानते हैं उतना ला दिए जितना गाड़ी झेल सके। अगर आपको लग रहा रोज़ मोटर झटके ले रही है या कुछ भी हो रहा है थोड़ा सा, तो आप सबसे पहले गाड़ी को दिखाइए किसी मिस्त्री को, मोटर चेक कराइए, क्योंकि वो अगर जली नहीं होगी, हल्के से आसार होंगे तो बन जाएगी, ना पूरी जल जाएगी और आपको नई मोटर डलानी पड़ेगी, ठीक है। कारण बता दिए, कारण आपके ऊपर है सही करना, देखिए हमारा हमने बता दिया, आपके ऊपर है बनाना, ठीक है। ये मोटर आई थी, इसमें देख सकते हैं सेंसर ठीक है, लेकिन ये चल गई थी यहाँ से, इसका मालिक था जो बोला था ये चलते चलते अपने आप जल गई, तो पहले जाम हुई जल गई, तो मैंने कहा भाई अगर तुम अपना ब्रेक सही कर रखते तो उन्हें, उसके ब्रेक बहुत जाम थे, इतने जाम थे कि गाड़ी बढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उसने फिर उसने वो सही कराया ब्रेक, ठीक है। अगर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के हम वीडियो लाते रहते हैं, मोटर कंट्रोलर और रिक्शे के अंडर पार्ट रिपेयर सभी वीडियोस लाते रहते हैं, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।